नींबू के इस खट्टे मीठे और चटपटे अचार को मैंने बिना ऑयल के बनाया है। ये अचार टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इस अचार को हम कई साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी से अचार को घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस मजेदार अचार को कैसे बनाया जाता है। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो नींबू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के और धूप में सुखा लिया है, जिससे इनका मॉइस्चर सब सूख जाए। अचार बनाने के लिए नींबू में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब नींबूओं को हम क्रॉस कट कर लेंगे इस तरीके से, और नीचे से जुड़ा रहने देंगे। हमें इस तरीके से कट करना है। सभी नींबू हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। सभी नींबूओं को हमने क्रॉस कट कर लिया है इस तरीके से। अब हम नींबू के अचार के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। अचार के लिए मसाला बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून काला नमक लिया है और 5 टेबल स्पून सफेद नमक लिया है। 2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है मैंने। स्पून से मैंने मेजरमेंट किया है। 2 टेबल स्पून जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून अजवाइन कैरम सीड्स। 1 टेबल स्पून लौंग और 2 लाल इलायची ली है। अचार को खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए 1 कप मैंने चीनी ली है। लगभग 200 ग्राम चीनी है ये। अगर आप बिल्कुल खट्टा खाना चाहते हैं तो चीनी आप स्किप कर सकते हैं। अब ये खड़े मसालों को हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर सूख जाएगा। 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग और 2 लाल इलायची। अब इनको हम लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। मसालों को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। मसालों को हमने लो फ्लेम पर भून लिया है। इसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मसालों को ठंडा होने के बाद हम मिक्सर जार में डालकर इनका पीस कर पाउडर बना लेंगे। मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसमें बाकी बचे हुए मसाले भी मिला लेंगे। काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, चीनी, सभी मसालों को मिला लेंगे। नींबू के कट्स खोलकर नींबू में अच्छे से मसाला भर लेंगे। नींबूओं में मसाला भर भर कर हम जार में रखते जाएंगे, और नमक और चीनी जब मेल्ट होगी तो इसमें अपने आप रस आ जाएगा अचार में। इसी तरीके से हम सारे नींबू भर लेंगे। सभी नींबू में हमने मसाला भर लिया है, और ये थोड़ा सा मसाला बचा है हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा इस जार में भी डाल देंगे मसाला, और अचार को हम 10-15 दिन धूप में रखेंगे। धूप में रखने से थोड़ा जल्दी ये गल जाएंगे नींबू, और चीनी भी पिघल जाएगी। अगर धूप नहीं आती है तो आप ऐसे ही रखे रहने दें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। इस अचार को बनने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। इस अचार को हम जब भी धूप में रखेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी की छींटे ना जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं नींबू अब गल गए हैं। अचार बनकर तैयार हो गया है। इस अचार को हमने 15 दिन धूप में रखा था और 10 दिन हमने ऐसे ही रखा रहने दिया। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको बस ऐसे ही जार में भरकर रख दें, ये धीरे धीरे गल जाता है। अचार खाने के लिए तैयार है। आप इस अचार को दाल राइस के साथ, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। इस अचार की खास बात यह है कि इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है, तो ये खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर मुझे बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।